अगर मैं आपसे कहूं कि आप साल भर अपनी पढ़ाई करते हो, एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, एंड उसके बाद आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, जो मिस्टेक आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद कर देती है। होती छोटी मिस्टेक है, बट एक्चुअल में वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और वो क्या है? वो होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती। हाँ जी, इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो आप अपने दिमाग में रखो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। किसकी एप्लीकेशन फॉर्म? तो CUET एग्जाम की, इंट्रेंस एग्जाम जो होने वाली है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि कल 2 बजे, हाँ जी, कल 2 अप्रैल 2022 को लाइव हो जाएगी CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने का वक्त है। ये टाइम और एक्सटेंड करेगी हर बारी की तरह मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी के लिए आपके पास 1 महीने का पूरा पूरी टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिमाग में रखो, बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, सब्सक्राइब कर दो यार। आपका पैसा नहीं लग रहा है, मेरी मेहनत लग रही है, आपको सुनना है और एनालाइज करना है, दैट्स इट। इतना कर दो अपने बड़े भाई के लिए, बाकी साथ में मिलकर लड़ लेंगे, बहुत एग्जाम्स आएंगे, देख लेंगे, फाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मेरी बात सुनो। देखो, मसला यह है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, आप में से बहुत लोग ये गलती करोगे कि आप जाओगे और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोशिश करोगे उसी वक्त आप सोचोगे कि अब मैं फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता हूं, और वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। देखो, जैसी एप्लीकेशन फॉर्म आती है, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी इंसान और व्यक्ति के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो को पूरा देखो। ओके, YouTube पे आओ, देखो, मैं भी डालूंगा, मेरा देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, किसी और का देख लो, चलेगा, मेरे को दिक्कत नहीं। मेरा मोटिव ये है कि आप गलती ना करो। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, उसे पहले देखना है। फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इंटरनेट पर दिख जाएगी, YouTube पे पता चल जाएगा। ओके, दूसरी बात कि आपको वेट करना है किस चीज़ का? बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपने डोमेन सिलेबस निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी होंगे, कौन यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, किसमें क्या सब्जेक्ट चाहिए, वो सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। कहने को तो कल से एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो जाएगी, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटी जैसे कि DU हो गई, JNU हो गई, या फिर जो भी आते हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है CUET के अंदर, वो अपने अपने नोटिसेस रिलीज करेंगे कुछ दिन बाद। हालांकि कल फॉर्म आ जाएगी, बट वो धीरे धीरे करेंगे, तो आपके पास समय है, एंड दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ फॉर्म एक्सटेंड करेगी। ओके, तो उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है, तो वो सब आने दो, उसको एनालाइज करो, क्योंकि इस बार की CUSET की एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। मतलब कॉम्प्लिकेटेड बोले तो एग्जाम तो ईजी होगा, बट एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस होगी, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, कौन सा सुनूं कौन सा पढ़ूं, उस चीज़ को ध्यान से देखने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना प्लीज़। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक से आपको फिल करनी है। बाकी फॉर्म के अंदर अगर कोई भी दिक्कतें आएंगी, कोई कोई चीज़ देखने वाली होगी, डॉक्यूमेंट्स होगी, नहीं होगी, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें मैं आगे वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, हड़बड़ाना नहीं है, फॉर्म आती है, चिल मारो, बहुत वक्त है। ओके, बस हड़बड़ाना नहीं है, दैट्स इट। बाकी हो जाएगा, पढ़ाई करते रहो घर पे बैठ के। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर दे। आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट।